आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर रेज की है कि कुछ कहानियां जो हैं वो हिंदुस्तान में या बॉलीवुड में या इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में इनकन्वीनियंट मानी जाती हैं, इनको इनकन्वीनियंट स्टोरीज, लेट्स से हम बोल दें ये कश्मीर फाइल्स की स्टोरी जो है एक इनकन्वीनियंट स्टोरी है कुछ लोगों के लिए, बट देर इज अ डिजायर फॉर द पब्लिक टू सी दीज फिल्म्स, बट देर इज ऑल्सो अ डिजायर विद इन के कुछ ऐसे लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट में जो इन जो चाहते नहीं कि इस तरह की स्टोरीज पब्लिक के सामने आए. देयर इज अ ग्रेट एग्जांपल यू गेव इन वन ऑफ योर इंटरव्यूज ऑफ द फिल्म हैदर, कि ठीक हैदर फिल्म निकल कर आई है, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, वी हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन ये फिल्म जो है 90s के दशक में बनी है, उस दशक में बनी है जिस दशक में कश्मीरी हिंदुओं को जबरदस्ती मार कर निकाला गया था वैली से, और आपने उस बात की डिस्कशन तक नहीं की है फिल्म में. You haven't even talked about that film even a little bit. The second thing is ki even if you look at how the cinema sort of movie review fraternity jis tarah se behave karti hai, Heather ko I remember kitne sare plaudits mile the jab wo film nikal kar aayi thi, to and then uske opposite agar koi film nikal kar aati hai ya usse opposing point of view se film nikal kar aati hai to usko propaganda film bol diya jata hai, toxic masculinity bol diya jata hai. Hal mein you faced a situation with that film companion website where you were giving the example which I thought was really funny. You were giving the example of Gehraiyan film jo nikal kar aayi hai, uske ek to review pe review hai, upar se film itni sari discussion ho rakhi hai us film ke bare mein, even though the audience is not enjoying that film but critics ko bada pyar hai us picture se. Compare that to maybe, you know, जो कश्मीर फाइल्स निकल कर आ रही, अभी तक उसका सिर्फ ट्रेलर ही निकल कर आया है, बट देयर इज बेयरली एनी डिस्कशन ऑन दैट वेबसाइट, नंबर वन. नंबर टू, अनदर फनी इंसिडेंट वाज जब व्हेन आपने एक इंटरव्यू किया था ऑप इंडिया के साथ, उस ऑप इंडिया इंटरव्यू में आई थिंक राहुल रोशन वाज लाइक लुकिंग एट द एनडीटीवी वेबसाइट, और उन्होंने उस समय पर, आई थिंक दिस वाज अ वीक अगो सो मे बी आई एम श्योर दे हैव चेंज्ड द हेडलाइन बाय नाउ, बट उस समय पर जब वो ही वाज लुकिंग एट द एनडीटीवी वेबसाइट, उसने देखा अच्छा दिस इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड अ प्रोपेगेंडा फिल्म by NDTV, trailer ke basis pe usko propaganda bol diya, film dekhi bhi nahi hai. No. Achha. No. It was before the trailer, few months before. Achha, before the trailer also came. And yeah. Fir jaake jab Rahul ne discover kiya, mere samne hi usne check kiya, he discovered. Jaake fir unne pura expose kiya and they have given, gone to archives and all. They have shown everything, very all the technical things. Ki ye to paanch kai maine pehle bana diya tha. Oh my God. Achha. तो यू नो हाउ मच ऑफ अ स्ट्रगल इज दैट, के एक तो यू नो इस तरह की पिक्चर बनाना मुश्किल होता है, दूसरा जब आप इस तरह की पिक्चर बनाकर निकाल के लाने की कोशिश कर रहे हैं तो देयर इज अ फ्रटर्निटी ऑफ पीपल जो तुली हुई है कि भाई इस पिक्चर को हम इतने नेगेटिव रिव्यूज देंगे या दबाने की कोशिश करेंगे, या तो इसको इग्नोर करेंगे या फिर इसको नेगेटिव रिव्यू से दबाने की कोशिश करेंगे. हाउ मच इज अ चैलेंज कि भाई इन सब चैलेंजेस को सरमाउंट करके यू हैव टू स्टिल मेक अ सक्सेसफुल मूवी, हाउ बिग ऑफ अ चैलेंज इज दैट? ओके, सो आई मीन दिस वाज बिट लेयर्ड. सो पहली चीज तो वो आपने कहा जैसे हैदर, मुझे हैदर से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट आई लाइक द फिल्म, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन इशू. देखिए आप कहिए, मैं एक फिल्म बनाता हूँ, मैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ, मैं दिस इज माय कैमरा, ओके, आई एम नॉट कीपिंग माय कैमरा हियर, आई एम कीपिंग माय कैमरा ओनली हियर, आई एम फोकस्ड हियर, यस आई नो हिंदू जो हुआ, लेकिन मैं यहाँ फोकस करना चाहता हूँ साहब, ये मेरी चॉइस है, फाइन, आई टोटली एग्री, नो प्रॉब्लम्स विद दैट. लेकिन फिर आप एक्टिविज्म में ना आए, भाई आप दोनों चीजें ना करिए, फिर आप ये ना बोलिए कि भाई मेरा दिल धड़कता है माइनॉरिटीज के दर्द के लिए, फिर आप ये ना बोलिए कि मेजोरिटी ऑप्रेस करती है, फिर मेजोरिटी माइनॉरिटी का डिस्कशन में जब आप घुसेंगे तो फिर एक बहुत ही जेन्युइन, एक बहुत ही ऑनेस्ट और जेन्युइन और लॉजिकल क्वेश्चन जो उठता है वो ये है कि आप जब इस तरह की बात करते हैं, एक आइडियलिस्टिक बात करते हैं, तो आप खुद ये एक्नॉलेज करते हैं कि एज अ क्रिएटिव पर्सन You are the mirror of the society. आप समाज का आईना है. आपने वो अपने सर पे ओढ़ी है ये. For I really love मनमोहन जी and रोहित शेट्टी and डेविड धवन. उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं ओढ़ी. उन्होंने कहा भाई हमें नहीं मतलब है, तुम सोसाइटी पॉलिटिक्स या किसी और का काम है. We are here to entertain you and we'll make you laugh. बात खत्म हो गई. हम नहीं पढ़ते इन चीजों. That's fine.
यू नो दिट्स अ वेरी सटल डिफरेंस. आई आई हैव डन लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग. इसलिए देखिए, जैसे एक आपका कार एक्सपो चल रहा है किसी बड़े से स्टेडियम में, ओके, नोबडी नोबडी सेज बॉयकॉट कार एक्सपो, नोबडी एवर सेज दैट. या कितने सारे ब्रांड्स हैं जो चुपचाप आते हैं, लक्स आता है, रेक्सोना आता है, सर्फ आता है, विस्पर्स आता है, नोबडी सेज कि अच्छा बॉयकॉट देम. बट द मोमेंट यू दे ब्रांड्स गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविज्म और सोशो पॉलिटिकल और कल्चरल ओपिनियन और कॉमेंट्री, देन द पीपल ऑल्सो हैव द राइट टू आस्क यू क्वेश्चन. ओके, अदरवाइज आप तो धंधा, अरे भाई अब मैं फिल्म बना रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना आप क्या सोचते हैं. आपने मुझसे बोला देखिए भाई मैं धंधा कर रहा हूँ, मैं 100 का 200 कर रहा हूँ, 100 का 150 कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम है, आप भी तो धंधे में, वही कर रहे हैं, दोनों धंधे में. तो फिर देखिए, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता, नोबडी क्वेश्चन. इट्स ओनली व्हेन यू कम फॉरवर्ड एंड यू गो एंड सिट ऑन अ प्रोटेस्ट एंड यू से नो आई बिलीव इन इक्वालिटी, व्हिच मींस योर कैमरा कैन नॉट बी अ हॉर्स ब्लाइंडर, योर कैमरा हैज टू बी लाइक दिस, यू शुड बी एबल टू सी. कैसे ये पॉसिबल है? Why do you have to be a creative person to see this? Anybody who's seen that period or lived that period of 90s, early 90s and a little 85 से लेकर 93 तक का जो period है, ये जो है, जो भी लोग 75 के बाद पैदा हुए, उनने ये देखा अच्छे से और बहुत young eyes के साथ देखा है, तो critical eye के साथ देखा है, जो question करती है, कैसे possible है कि आप उसका जिक्र तक नहीं करें? ये possible ही नहीं है. मैंने तो ऐलान करके कश्मीरी, सिर्फ मैं 10 लाख बार बोल चुका हूं कि मैंने सिर्फ कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड के ऊपर फिल्म बनाई है. स्टिल आई हैव एक्नॉलेज्ड व्हाट हैपेंड टू द अदर पीपल. मैंने तो एक कश्मीरी लड़के से, जो वहीं का लड़का है, उससे मैंने एक सीन है पूरा जिसके डायलॉग उससे लिखवाया. मैंने कहा तू लिख, जो लिखेगा मैं उसको बस छोटा कर दूंगा, बट आई विल कीप इट एंड आई हैव केप्ट इट. और उसी ने एक्टिंग भी की. अच्छा, तो मैंने भाई तुम्हारा भी, हाँ मैंने कहा मैं तुम्हारा भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ. द वर्ल्ड शुड नो योर पॉइंट ऑफ व्यू. आई बिलीव ऑडियंस इज इंटेलिजेंट इनफ टू मेक द जजमेंट कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपको जो दिख रहा है यू कैन इजीली मेक आउट. लेकिन आप एक तरफ तो कहते हैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, ऑल दीज हाई मॉरल मॉरल वो आप क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद मॉरल कंपस आपने क्रिएट कर दिया, और आप सबसे कहते हैं कि मैच इट. पीपल कांट मैच इट एंड पीपल गेट स्टक इन देयर इलॉजिकल लॉजिक. तो लोग फंस जाते हैं, आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं. हाँ यार, ये इतनी ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, तो ये वाकई में ह्यूमैनिटी प्रैक्टिस करते होंगे रियल लाइफ में. बुलशिट, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. यू किलिंग मी, नो. एक तरह से ये ऑडियंस इंटेलिजेंस को भी तो इंसल्ट करता है ना, कि आप कह रहे हैं कि अच्छा हम अगर ऑडियंस को पूरी कहानी दिखा देंगे, if we show them both sides of the story, तो audience को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ support करना है, कहाँ नहीं support करना है, क्या समझना है, क्या नहीं समझना है. You show the audience what happened and let the audience make their own mind up. Audience इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि उनको पता नहीं है कि भाई स्क्रीन पर हो क्या रहा है या दुनिया में क्या हो रहा है. So when you say कि अच्छा इस तरह की कहानीज are better and कश्मीर फाइल्स टाइप की कहानियां या दूसरी तरह की मूवीज जो बनती हैं, उस तरह की मूवीज वो उस तरह की मूवीज बननी नहीं चाहिए, ऑडियंस के सामने जानी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑडियंस को गलत लेसन मिल जाएगा. इन अ वे यू आर आल्सो इंसल्टिंग द ऑडियंस और यू नो इंटेलिजेंस. आप मेरा इंटेलिजेंस को इंसल्ट कर रहे हो यार. मेरे पास भी दिमाग है, मैं भी मूवी देख के आई कैन मेक माय ओन माइंड अप. या एब्सोल्युटली. देखो मैं इसमें देखो कितनी बड़ी एक डाइकोटमी है, कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है. एनीबॉडी इफ फिल्म एज अ प्रोडक्ट, सी है तो प्रोडक्ट, आप कितना भी डिनाई करें उसको, आप कितना भी आर्ट आर्ट बोले, है तो प्रोडक्ट. ओके, आर्ट तो वो हुआ कि आपने अपना घर बेचा और कैमरा लिया, चल पड़े और कुछ बनाया और रिलीज किया, देखा लोगों ने, देखा नहीं देखा तो नहीं देखा. लेकिन है तो प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोडक्ट विच विल बी ऑन द शेल्व्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. तो आपने किसके लिए बनाया? हैदर को इंडियन गवर्नमेंट ने सर CBFC का सर्टिफिकेट दिया. हैदर इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इंडियन ऑडियंस के लिए, प्राइमरीली हिंदी ऑडियंस के लिए उस फिल्म को रिलीज किया. उसको देखने भी हिंदी ऑडियंस गई, विच मींस योर मार्केट, योर कस्टमर्स, योर टारगेट ऑडियंस, योर द मार्केट बाय डेमोग्राफिक्स एंड बाय साइकोग्राफिक्स एंड बाय बिहेवियरल साइंस इज बेसिकली दिस इंडिया. ओके, कश्मीर में तो एक थिएटर भी नहीं है, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट योर ऑडियंस, बट यू आर मेकिंग फॉर दैट ऑडियंस.
यूजिंग दिस ऑडियंस. अच्छा इंडिया में इतनी ऑडियंस तो हमेशा रहती है जो स्टार स्टार डाल दो, थोड़ा हाइप कर दो, मार्केट करो, ग्लैमर क्रिएट करो उसका, तो इतनी तो ऑडियंस होती है कि इनिशियल आपको 30-40 करोड़ का बिजनेस दे जाएगी. इतना तो कोई भी फिल्म कर लेती है. गंगूबाई भी देखिए आज 40-41 करोड़ का बिजनेस कर लिया होगा. इतना एक हाइप एंड द स्टार वैल्यू इंडिया में है क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, कोई कॉस्ट्यूम देखने चला जाता है, कोई म्यूजिकली चला जाता है, कई लोग कॉलेज से बंक करके जगह नहीं मिलती तो द कपल्स गो फॉर दैट. तो इंडिया हैज दैट काइंड ऑफ फैट, यू नो द फैट. ओके, दीस पीपल डिसाइड. हम लोग भी यही करते थे. इज गोइंग टू रन और नॉट. Yeah. हाँ, हम भी यही करते हैं, सब यही करते हैं. तो उसका ये एडवांटेज, इनको उसका एडवांटेज मिल जाता है. तो वो जो एक छोटा एक तबका है जो इनोवेटर्स हैं, जो सबसे पहले फिल्म देखने जाते हैं, वो देख लेते हैं. लेकिन हु विल डू दिस? आपकी ऑडियंस तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती इस थ्योरी में कि आर्मी जो है वो रेप करती है औरतों को या मारती है लोगों को. वो तो बिलीव नहीं करते इस बात पे क्योंकि इसका कोई सबूत भी नहीं है. लेकिन आप फिल्म में ये बताना चाहते हैं कि आर्मी जो है वो ऑप्रेस करती है वहां पे लोगों को. आप फिल्म बना रहे हैं किसी और ऑडियंस के लिए. आपका आपका एजेंडा, आपका गोल है एक इंटरनेशनल ऑडियंस में टू इमर्ज एज कंपैशनेट और सिंपैथेटिक टू शो दैट यू आर विद परसेक्यूटेड पीपल. इफ दैट इज योर एजेंडा, आई एम स्टिल विद यू एंड आई रिस्पेक्ट योर एजेंडा. ओके, विद द सेम कंपैशन प्लीज ऑल्सो रिस्पेक्ट 10 लाख 8 to 10 lakh का कश्मीरी हिंदूज विच आर परसिक्यूटेड एंड एटलीस्ट कश्मीरी मुस्लिम्स आर लिविंग इन देयर मदरलैंड इन देयर होम इन देयर बाप दादाओं पुश्तों के जो घर है उनमें रह रहे हैं, उन्हीं वही सेब के खेत हैं उनके पर. इनको ये तो अपने घर भी नहीं जा सकते हैं वापस. सो यू डोंट हैव कंपैशन फॉर देम, नॉट एट ऑल. ओके, आपने नहीं किया, मैं मान गया, चलिए. लेकिन जब कोई और कर रहा है तो उसे तो करने दो. बट द रीजन दे डोंट वॉन्ट somebody else to do it, ki then they stand exposed. Because suddenly audience has something to compare with. Abhi to comparison nahi hai, limbo mein aapne ek baat bol di, aapne shoot kar diya limbo mein. People have no reference point. So now you have two films, let people decide on their own which truth is the real truth.